ग्वालियर शहर के महाराज बाड़े पर स्थित टोपी बाजार दौलतगंज के अंदर बने मार्केट में जा जाकर ग्वालियर SDM अनिल सिंह बनवारिया एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसे दुकानदार एवं उनके यहां काम करने वाले स्टाफ को मास्क लगाने के लिए समझाइश दी गई एवं चालानी कार्यवाही भी की गई। कार्यवाही की सूचना मिलते ही सभी दुकानदार ज़्यादातर अलर्ट दिखाई दिए और प्रशासन की टीम पहुँचने से पहले ही अधिकांश दुकानदार एवं कर्मचारियों ने मास्क लगाकर काम करते हुए नजर आए। ग्वालियर SDM अनिल सिंह बनवारिया ने बताया कि यह चालानी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे एवं मास्क अवश्य लगाए। तो डाल के पुलिस चौकी बैठा लो उसको 3 घंटे। चलो आ जाओ। ले मुझे लगा ले मुंह पे, 100 रुपए जमा कर दे। टूट गया तो 200 रुपए ले लो बढ़िया, और एक रसीद कटा लो। काम कर रहे थे तो गिर गया तो याद दिलाएंगे। कटवा लो, इसको तो लटका हुआ, इसकी कटावे रसीद। क्या नाम बेटा? आज वैसे हम लोग खुद कस्टमरों को अरे हम लगाते हैं और खुद नहीं लगाते हैं। रखने के लिए नहीं है, लगाने के लिए। मेरे परिवार को चलाने के लिए कैसे भी आप कितने हैं सुनने? अरे ऐसे क्या कर रहे हो, नाम बताओ। वो है कितने हैं क्या नाम है? क्या नाम? राजबिहारी सर। राजबिहारी सर, जो किस दुकानदारों को कार्रवाई की गई? ये आपके साथ ही भ्रमण किया और देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी, वैसे 90% तो 95% लोग मास्क लगाए हुए हैं, और जो दुकानदारों को एक एक आज चेक किया तो उसमें जो लोग नहीं लगाए हुए थे, चाहे उनका स्टाफ था चाहे वो मकान दुकान मालिक थे, तो उनको हमने जो है सर जैसा कि कल चालान भी बनाया और उनको मास्क भी वितरित किया है सर। जैसे कल वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।